ओप्पो रेनो 7 सीरीज़। हाँ गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जानते ही होंगे कि 4 तारीख को यहाँ पर ओप्पो अपने रेनो 7 सीरीज़ को लॉन्च करने वाला है इंडिया के अंदर, और फ्लिपकार्ट में ये ऑफिशियल हो गया है, आप लोग जाके देख भी सकते हो। 4 तारीख को आ रहे हैं ओप्पो रेनो और ओप्पो रेनो 7 प्रो। इसमें हम बात करने वाले हैं इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बारे में, तो पूरा देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस बात करते हैं इस ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आते हैं, दिन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। प्राइस में लॉन्च डेट तो बता ही चुका हूँ आपको, अब स्पेसिफिकेशन में आता हूँ। देखिए, पिछले बार जो रेनो 6 सीरीज थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया, पर्सनली बहुत अच्छी लगी मुझे, डिज़ाइन को मामले सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और इस बार भी बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया हुआ है। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आऊँगा, तो बिल्ड डिज़ाइन जो फ़ोन का है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा आपको देखने मिल जाने वाला है। ओप्पो रेनो 7 और दोनों रेनो 7 प्रो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया, दोनों के लुक सेम ही हैं, और पीछे यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक का काम करके दिया हुआ है। अगर आप कैमरा सेटअप में देखो तो वहाँ पे कलर आपको लाइटिंग मिलेगी, जो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम लगा। तो डिज़ाइन में भी कुछ अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे इस बार उन्होंने। डिस्प्ले में यहाँ पे जो आपको यहाँ पर 6 पॉइंट, दोनों डिस्प्ले अलग है दोनों में, यहाँ पे जो रेनो 7 है उसमें 6.43 इंच का एक एमोलेड पैनल मिलता है जो 90 रिफ्रेशिंग रेट है, और वहीं पर आप अगर 7 प्रो में जाओगे तो वहाँ पर आ जो है वो आप लोगों को 6.55 इंच का एक फुल एचडी डिस्प्ले, बट वहाँ पे भी आपको 90 रिफ्रेशिंग रेट प्लस एमोलेड पैनल दिए गए हैं, जो मुझे कम लगा पर्सनली यार। 90 रिफ्रेशिंग रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब उस प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 120 दोनों में देना चाहिए था, बट नहीं दिया है। चिपसेट में आ जाता हूँ, तो दोनों में चिपसेट में भी फर्क आपको अभी देखने मिल जाता है। ओप्पो का जो रेनो 7 है उसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट, वहीं पे जो 7 प्रो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा बढ़िया वाला चिपसेट डायमेंसिटी 1200। तो दोनों में परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ज़्यादा तगड़ी एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया वाली आपको देखने मिल जाती है। कैमराज में आ जाता हूँ, तो मेन कैमरा जो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है गाइस ओप्पो रेनो 7 में, तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा मिलता है, एंड 2 मेगापिक्सल का आपको वहाँ पे भी कैमरा देखने मिल जाएगा 68+8+2 का, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 प्रो के बारे में बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन मिलेगा जो सोनी का सेंसर होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। सेल्फी में दोनों में आपको मोबाइल में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी साइड पंचोल के साथ, तो वो भी आपका अच्छा काम होने वाला है। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको देखने मिल जाती है। मैं बैटरी में आ जाता हूँ, दोनों में आपको 4.5 mAh की बैटरी है प्लस टाइप से, और 65W की फास्ट चार्जिंग आपको दोनों में मिल जाती है, जो पर्सनली मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड यूआई में आपको दोनों कलर वो इसके साथ रन करने वाले हैं, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे। ये है पूरा गाइस स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ओप्पो रेनो 7 एंड ओप्पो रेनो 7 प्रो के बारे में। फाइनली मैं बात कर लूँगा इसकी प्राइस के बारे में, इंडियन प्राइस क्या होने वाली है। देखिए, पिछले बार भी जो प्राइस आया था ओप्पो रेनो 6 का वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा था पर्सनली, इस बार भी दोनों की प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस ही कही जा रही है। अगर आप मैं बताऊँ ओप्पो रेनो 7 की बात करूँ तो 29,999, मतलब 30,000 रुपये से स्टार्ट होने वाला है, वहीं पर आप अगर प्रो वेरियंट में जाओगे तो वो आपको अराउंड 35 से ऊपर भी जा सकता है, और मतलब डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा अगर आप उसे जो है कंपेयर करोगे। तो पिछले बार जैसे ही प्राइस कुछ होने वाला है, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है अगर ओप्पो रेनो 7 जो है वो 25,000 रुपये करीब में आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता, बट वहीं पे आप बात करते हो उसके बारे में तो आई थिंक ये जो थोड़ा ये यहाँ पे 7 प्रो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इस फ़ोन की दोनों मतलब जो चिपसेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों को भाई डायमेंसिटी 1200 मिल जाता है 7 प्रो में, वहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 778G वाला चिपसेट मिलता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फ़ोन बढ़िया हैं, तगड़े हैं, प्राइस जैसे मैंने बताया। अब देखिए, आने वाली बात है कि फ़ोन आ जाए 4 तारीख को, तो आ ही रहा है डेफिनेटली इंडिया में, बट अब इस फ़ोन की प्राइस और देखिए इंट्रो प्राइस में भी उनको थोड़ा डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, बट मुझे अभी भी लगता है कि अभी तक ओप्पो रेनो 6 की प्राइस अगर आप जाओगे ना तो प्राइस ड्रॉप ही नहीं हुई, मतलब ऑफर में आपको अच्छे प्राइस में मिला है वो, बट प्राइस ड्रॉप नहीं हुई, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, मतलब यार भाई फ़ोन चला है। क्योंकि अगर प्राइस ड्रॉप नहीं हो रही इसका मतलब भाई डिमांड है उस फ़ोन की, वही मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया बात लगी, बिकॉज यार यहाँ पे ओप्पो ने अच्छा काम भी किया है और दोनों स्मार्टफोन बढ़िया, पिछले बार भी डिज़ाइन अच्छा था, अब इस बार भी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्रीमियम और अच्छा दिया है। अगर मुझसे आप पूछोगे ना वीवो V23 सीरीज से ज़्यादा कौन सा अच्छा है, तो ये ज़्यादा अच्छी सीरीज होने वाली है, तो इसलिए अगर इंतजार कर सकते हो तो इंतजार कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ, कमेंट कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, हम कोशिश करते हैं आप लोग के लिए डेली वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड बस इसमें रखता हूँ, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।